इस बार की होली हर्बल होली इसी उद्देश्य के साथ युवा जागृति संस्थान के द्वारा महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने एफपीओ के साथ संगठित होकर अब की बार हर्बल गुलाल बनाना उन्होंने आरंभ किया है। यह कार्य उन्होंने विगत वर्ष से आरंभ किया था। पिछले वर्ष लगभग 2 क्विंटल हर्बल गुलाल इन्होंने बनाया था, जो काफी अच्छे मात्रा में ये विक्रय हुआ था और लोगों ने काफी अच्छी डिमांड भी इस गुलाल को देखते हुए, वर्तमान में इसे हमने ONDC पे भी अपलोड किया है, जहां से काफी संख्या में दिल्ली आसपास का जो क्षेत्र है NCR का और जयपुर से बहुतायत मात्रा में हमें इनसे ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। अब की बार 21 तारीख को तो जो ताज होटल है उसके कारपोरेट ऑफिस में भी इन महिलाओं के द्वारा स्टॉल लगाई जा रही है। इसके अलावा नाबार्ड के जो तरंग जो मेले आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, पहले राजस्थान में अजमेर में इन्होंने स्टॉल लगाई, इसके बाद जम्मू में और आज यहाँ 3 दिवसीय दिल्ली में भी इनके द्वारा स्टॉल लगाई जा रही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि मातृशक्ति के द्वारा ये प्रयास जो किया जा रहा है, इनके प्रयासों को अच्छे लेवल पे पहचान प्रदान करने में आप अपना सहयोग प्रदान करें और इस बार की होली पर आप हर्बल गुलाल से होली जरूर खेलें। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी सैनी है, मैं बांसुर की रहने वाली हूँ। मैं युवा जागृति संस्थान मिल्क एंड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी की एक सदस्य हूँ, जिसमें 519 महिलाएं जुड़ी हुई है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हम इस बार होली के ऊपर हर्बल गुलाल बना रहे हैं, जिसमें हर्बल गुलाल में कई प्रकार के कलर बना रहे हैं, जैसे पीला कलर हुआ, गुलाबी हुआ और हरा हुआ। इसमें हम जैसे गेंदे के फूल हुए और हरा पालक हुआ और ये चकुंदर अनार, इनसे प्राकृतिक सब्जी सब्जियों से हमने गुलाल बना रहे हैं। इस तरह हम स्वयं सहायता समूह की महिला सभी महिलाएं मिलकर बना रहे, जिससे उनको काफी अच्छा लगा और वो अपने मतलब रोजगार, उनको रोजगार भी मिल रहा है। इस तरह से हमने 5 क्विंटल का हर्बल गुलाल बनाकर तैयार किया जो हमारा बिक गया और 1 क्विंटल हमारा नाबार्ड के द्वारा हमारे पास ऑर्डर आया है, उसके लिए भी हम नाबार्ड में भिजवाएंगे। इस तरह हमें काफी अलग अलग के का गुलाल बनाकर अच्छा लगा। हम यहाँ सभी महिलाएं युवा जागृति संस्थान पर मिलकर बना रही हैं। मैं युवा जागृति संस्थान और नाबार्ड को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने हमें हर्बल गुलाल की ट्रेनिंग दी और इस तरह हमें ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला और वह काफी आगे बढ़ी और बनाकर काफी उत्सुक हुई। हमें कई जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, हमें ऑनलाइन ऑर्डर भी मिल रहे हैं। इस तरह से युवा जागृति संस्थान और नाबार्ड को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नाबार्ड और युवा जागृति संस्थान के प्रयासों से महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नाबार्ड के द्वारा युवा जागृति संस्थान को स्वीकृत युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसमें 519 महिलाएं इसमें मेंबर्स के रूप में जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा मिलकर और पिछले साल से एक नवाचार किया गया था, उन्होंने होली पर हर्बल गुलाल बनाने का कार्य आरंभ किया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस मातृशक्ति को आत्मनिर्भरता से जुड़कर और इनके प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करें और इस बार आप प्राकृतिक और जैविक तरीके के जो हर्बल गुलाल जो इनके द्वारा बनाया गया जा रहा है उसको आप लोग जरूर खरीदें। हर्बल गुलाल में मुख्यतः इन लोगों के द्वारा जो गेंदे के फूल हैं उनके माध्यम से, गुलाब के जो फूल हैं उनको, इसके अलावा पालक, चुकंदर, इन सब चीजों को मिक्स करके उबाल कर और फिर उसे जो हमारा मक्का होता है उसे पीस कर अरारोट के माध्यम से और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी और अन्य प्रकार की कई जैविक जो चीजें हैं उनको मिक्स करके और इनके द्वारा ये हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है।
इन महिलाओं के द्वारा मिलकर और एक समूह में इसे संगठित होकर इस प्रयास को किया जा रहा है। तो आप इस होली पर हर्बल गुलाल से होली जरूर खेलें और इन हर्बल गुलालों को खरीदें। इसके लिए आप अगर बानसूर में आप अगर इनसे ये उत्पाद खरीदना चाहें तो हरसोड़ा रोड बाईपास चौराहे से जस्ट ऊपर की ओर नेहा स्कूल के सामने श्री अनमार्ट इसका स्थापित किया गया है, जहां से आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसे ONDC से ऑर्डर करना चाहें तो माई स्टोर के ऊपर भी ये प्रोडक्ट ऑनबोर्ड किए गए हैं, वहां आप युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से सर्च करके और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। काफी बहुतायत संख्या में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, राजस्थान के अलग अलग जो जिले हैं वहां से इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और 21 तारीख को 21 मार्च को इन महिलाओं के द्वारा ताज होटल दिल्ली में जाकर और स्टॉल लगाई जा रही है, जहां पर इनके उत्पादों को ना सिर्फ प्रदर्शित किया जाएगा साथ में वहां विक्रय के लिए भी एक काउंटर ओपन किया जा रहा है। तो आइए मिलकर इस बार की होली को हम हर्बल होली के रूप में खेलें और इन महिलाओं को सशक्त बनाने में अपना योगदान निभाएं। धन्यवाद।